पूरे भारतवर्ष में बीते एक दशक से लव जिहाद और इससे जुड़े मामलों के बारे में चर्चाएं उठती रही हैं और इस पर राजनीतिक पार्टियों के अलावा सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। बाड़मेर इससे हालांकि अछूता रहा, लेकिन इन दिनों यहां लव जिहाद और दूसरी बातें लोगों को परेशान किए हुए हैं। आगामी 7 तारीख को बाड़मेर में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है और इसको देखते हुए हम बात करेंगे बाड़मेर के संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी और यहाँ पर आम जनता के साथ रहकर यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करने वाले स्वरूप सिंह खारा से, और उनसे ये जानेंगे कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस लिए किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन, रैली, हिंदू समाज एक हो जाओ, ये क्यों किया जा रहा है? बाड़मेर में ये ऋतु वाली जो घटना हुई, जो यहाँ से भाग करके कश्मीरी लड़के के साथ गई, वहाँ जा करके इसने धर्म परिवर्तन किया, जैनब बन गई, वहाँ निकाह किया, ये सारा मामला हुआ। ये घटना होते ही तुरंत संघ के कार्यकर्ता उनके घर पहुँच गए थे। उनको ऐसा पूछा कि जितनी सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अभी तो जितनी घटना हुई है उस अनुपात में हाईलाइट नहीं है, हम हमारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, अगर लड़की नहीं मिलती है, सुराग नहीं मिलते हैं, तो फिर हम आपके पास आएंगे और आप हमारा सहयोग करना। थोड़े दिन बीतने के बाद फिर हमने संपर्क किया, तो फिर उन्होंने पुलिस अधीक्षक के पास जा करके प्रार्थना पत्र भी दिया और एक पुलिस टोली वहाँ गई भी कश्मीर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, तो फिर वो हमारे पास आए। चूँकि हमारा सतत संपर्क था, हम उनके साथ SP साहब के पास गए, SP साहब ने सारी समस्या रखी थी भी उनके पास पहले ही रिपोर्ट, तो फिर उन्होंने वकील से सलाह करके हाईकोर्ट में दर्ज करने की ऐसी उनको ऐसी आवश्यकता लगी, फिर वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, तो हम प्रत्यक्ष जा करके SP साहब के सामने हमने गुहार लगाई और मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में हमने हमारे तरीके से प्रयास किए, प्रदेश स्तर पर सरकार से या पुलिस के उच्च अधिकारियों से जितने हो सकते थे वो संपर्क करके हमने प्रयास भी किए और पुलिस ने भी अपने तरीके से प्रयास किए। चूँकि कश्मीर की वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है कि 3 बार पुलिस टीमें गई और 3 बार बेरंग वापस लौटी। वहाँ कुपवाड़ा में जिस स्थान पर वो घटना हुई है या जिस क्षेत्र का लड़का रहने वाला है, वहाँ के संबंधित SHO ने यहाँ तक कह डाला, उसने कहा कि मैं अनधिकृत रूप से कह रहा हूँ कि वो जो बालिका आपके घर से गई है वापस आपको मिलने वाली नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हमारे यहाँ बड़े बड़े संगठन चलते हैं जो इस प्रकार के कार्य करने की प्रोत्साहन राशि देते हैं, यानी हिंदू समाज की प्रमुख जो 3-4 जातियाँ वो उनकी सूची में है, वो अलग अलग प्रकार की उन्होंने राशि तय कर रखी है, जैसे एक ब्राह्मण जाति की बच्ची है, राजपूत जाति की बच्ची है, जैन जाति की बच्ची है, या अन्य जो भी जिसको तथाकथित उच्च वर्ण बोलते हैं उनकी जाति की बच्चियां लाने पर उनको 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसी राशि मिलती है। तभी तो आपने देखा होगा कि वो एक महंगी बाइक पे घूम रहा है, नई गाड़ी ले रहा है, जगह जगह हवाई यात्राएं भी कर रहा है, वो सारी घटनाएं ध्यान में आई। हमने धरातल पर सारे ये काम करने के बाद में हमारे को ये आवश्यकता महसूस हुई कि समाज भी जागना चाहिए। एक ऋतु भागी, ऋतु किसी परिवार की थी, ऐसा नहीं है, समस्त हिंदू समाज की थी, और वो कश्मीर भागी कितनी वेल प्लानिंग से उस लड़के ने संपर्क भी किया है, उसको मोहित भी किया है, फिर बाड़मेर से वो बस द्वारा अहमदाबाद गई है, अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर हवाई जहाज के द्वारा गई है, फिर उस लड़की को उसने किस प्रकार से ट्रेंड किया है, कैसा उसका मन परिवर्तन किया है, यानी 18 वर्ष तक माँ बाप जिन्होंने किस प्रकार से लाड प्यार से उसको इतना बड़ा किया है, लेकिन उसके बावजूद वो माता पिता कह रही है वो झूठ बोल रहे हैं, यानी कितना उच्च स्तर का प्रशिक्षण इन लोगों का है और इतना प्रोत्साहन राशि दे करके एक बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक कार्य चल रहा है उसी का हिस्सा है ये घटना हुई। लेकिन 1.5 महीना हो गया इस घटना को, आप अब इस विरोध का क्या अर्थ निकाला जाए? विरोध तो तब भी हो सकता था, कानूनी कार्रवाई खैर अलग मुद्दा है, वो तो होती रहेगी, लेकिन विरोध तो पहले भी किया जा सकता था अगर आपको इस तरह का संदेह था कि योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर युवतियों को या लड़कियों को फंसाया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, तो क्या विरोध 1.5 माह बाद क्या समझा जाए इसे? कानूनन संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से हमने जो प्रयास करने थे वो पराकाष्ठा तक की, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हमारे को लगता है कि हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बंटा हुआ है, संवेदना एक परिवार तक सीमित रहती है, वो एक परिवार की संवेदना समूचे हिंदू समाज में सामूहिक रूप से सभी को संवेदना की अनुभूति हो, इसलिए समाज जागरण के लिए इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है। ऐसी घटना होने पर हमारा ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पता नहीं क्या माइंडसेट है, एक तुष्टीकरण की उनकी एक कार्यपद्धति ऐसी नीति रहती है। क्या पुलिस पर सवाल है ये कि पुलिस अगर ऐसे मामले खासकर होते हैं तो हिंदू
समाज का कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, उनके प्रति उनका जो रवैया होता है वो ठीक नहीं रहता, आप ये कहना चाह रहे हैं? हिंदू मुसलमान का विषय आते ही पुलिस का विशुद्ध रूप से तुष्टिकरण का मामला होता है। ये केवल एक घटना पर केंद्रित नहीं है, हमने ऐसी बहुत सारी सीमांत क्षेत्र में घूमते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी घटना है, चाहे वो लव जिहाद की घटना हो, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, चाहे छोटा मोटा कोई झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आते ही पुलिस हमेशा तुष्टिकरण में ही रहती है। एक कोतवाली के पास ही पीछे एक मकाराम चौक करके लंबे समय तक विवादित रहा, जो बाद में नगर परिषद के हक में कोर्ट ने फैसला दे दिया। वो पुलिस और जिला प्रशासन से बार बार गुहार करने के बावजूद वहाँ बोर्ड तक नहीं लगा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? तुष्टिकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, विशुद्ध रूप से तुष्टिकरण पे चलती पुलिस। पुलिस की जो जांच चल रही है, हालांकि अभी हालिया दिनों में भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे मामले हुए जिसको हिंदूवादी संगठनों ने उठाया, जिसमें चौहटन की भी घटनाएं शामिल है, बताया जा रहा है कि, और हमारे सूत्र बताते हैं कि उस पर भी चर्चाएं हुई कि यहां पर भी कुछ न कुछ गलत हुआ है, तो ये गलत क्या हुआ है? और लव जिहाद की जहाँ तक बात है तो एक दिन पहले ही वीडियो रिलीज हुआ जिसमें ऋतु खंडेलवाल उर्फ जैनब ने और उसके जो शौहर जो है उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि हमें परेशान न किया जाए, हम तो खुश हैं और बेवजह परेशान कर रहे हैं, पुलिस भी परेशान कर रही है, परिजन भी परेशान कर रहे हैं। फिर जब कहते हैं कि जब पति पत्नी दोनों खुश हैं तो ये विरोध आपका क्या काम आएगा? लव जिहाद एक कोई एक घटना को लव जिहाद माने ऐसा नहीं है, बड़े स्तर पर इनका एक सुनियोजित तरीके से प्लान चलता है, बड़े बड़े गिरोह संगठन इस दिशा में काम करते हैं और एक बड़ा बजट जारी होता है, यानी प्रोत्साहन राशि, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है और एक उच्च स्तर का प्रशिक्षण भी होता है। जैसे हिंदू बालिका को लेके आए, भगा के लेके आए, फिर उस बालिका को बड़े लाड़ प्यार से रखेंगे, उसकी खूब सेवा करेंगे, जैसी उसकी इच्छा रहती, जो क्या क्या वो चाहती, अच्छी घड़ी चाहती, अच्छा मोबाइल चाहती, अच्छी घड़ी चाहती, सारी चीज़ें उसको ऐसी मुहैया कराई गई कि वो बच्ची उसके ऊपर मोहित हो जाती है। और ठीक 5-6 महीने बाद उनका व्यवहार बदल जाता है, फिर वही बालिका, ऐसे कई उदाहरण है कि बाद में वो रोती बिलखती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर ये इतना बड़ा मामला है कि हिंदू समाज को इकट्ठा होकर सड़कों पर आना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो विधायक हैं, यहाँ के जो एमपी एमएलएज हैं, जो खासकर इन मुद्दों पे कई बार बोलते रहते हैं, लेकिन जब ये घटना हो गई, 1.5 महीना हो गया, तो इनका भी नहीं बोलना, फिर इस पर भी आपकी नज़र है या इसके ऊपर भी आपने, जैसे आपने कह रहे हैं कि लंबे 1.5 महीने तक आपके प्रयास रहे, तो इनसे भी आपकी बात हुई होगी, एक बयान तक नहीं आया? अगर इतना बड़ा मामला था, खासकर सीमावर्ती क्षेत्र में अगर लव जिहाद जैसी घटना होती है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इनको भी बोलना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदार तो कभी बोले नहीं। राजनीतिज्ञों का एक कार्य करने का अलग तरीका है, हम जो सोच रहे हैं विशुद्ध रूप से सामाजिक भाव से सोच रहे हैं, और ये जो संवेदना से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनका निस्तारण केवल समाज कर सकता है, राजनीतिक लोग नहीं कर सकते। लेकिन सरहदी क्षेत्र में संघ हर चीज़ पर नज़र रखता है, तो सुरक्षा पर भी नज़र रखता है, तो क्या 1.5 साल तक या साल भर तक, 1.5 साल तक गुलजार नामक युवक यहाँ पर काम करता रहा, अगर उसकी बताया जा रहा है कि पहले भी कन्याओं के स्कूल के एकदम सामने एक कैफ़े था, वहाँ पर वो रहा, वहाँ पर एक महिला के साथ उसके इस तरीके की स्थिति में पकड़े जाने पर पिटाई तक हुई, ये बात बताई जा रही है, तो क्या आपको लगता नहीं कि जो गुप्तचर विभाग हैं वो यहाँ पर निष्क्रिय हैं, क्योंकि सूचनाएं समय पर पहुँचती नहीं, या जब घटना हो जाती है उसके बाद लकीर पीटने जैसी स्थिति बन जाती है बाड़मेर में खासकर, इसको लेकर सरकार तक ने संघ ने बात नहीं पहुँचाई अभी तक, आरएसएस बात नहीं कर रहे? देखिए, हमारा जो एक चाहे पुलिस तंत्र कहें या प्रशासनिक तंत्र कहें, वो ध्यान नहीं रखता या संवेदनशील नहीं रहता, सजग सतर्क नहीं रहता। अभी बाड़मेर में कोयला और तेल जब से उत्थान में आया है, आर्थिक रूप से निश्चित रूप से प्रगति की है, लेकिन बाहरी हज़ारों लोग अन्य राज्यों से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कश्मीर से आए हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है। हज़ारों लोग यहाँ शहर में रह रहे हैं, कोई नागाना रह रहे हैं, कोई भादरे से रह रहे हैं, अन्य छोटे मोटे गाँव रह रहे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। पहचान नहीं होने की वजह से वो इंतज़ार करते रहते हैं और बहुत बड़ी घटना को कारित करके यहाँ से निकल जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता है। जैसे ये कैफ़े है, डांस बार है, जिम है, और आपने देखा होगा कि जितनी बालिका विद्यालय और महाविद्यालय, उनके आगे छोटे छोटे चाहे पकौड़ों की दुकान है या फ्रूट है, ऐसे छोटे मोटे किस प्रकार के धंधे या गाड़े या ऐसे केंद्र खोल करके उनकी उपस्थिति उन गेटों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज कराना, बड़ी योजना के तहत उनको फंसाना और ले जाना, ये इनकी चाल रहती है, इनके सहज स्वभाव में। अब 7 तारीख को क्या होने वाला है, और 7 तारीख के बाद इस मुद्दे पर अगर काम नहीं होता है तो क्या योजना है?
सात तारीख को पूरे हिंदू समाज की जातियों ने बैठ करके रात को एक बैठक की, उसमें प्रमुख लोग थे, कोई अध्यक्ष थे, कोई प्रमुख लोग थे, यानी जो समाज में प्रभाव छोड़ने वाले, समाज का निर्णय करने वाले ऐसे लोग थे, करीब 150 लोग थे। तो उन्होंने सबने अपने अपने सुझाव रखे, कुल मिलाकर के सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि हर प्रकार से हमारे को चेतना भी है, सावधान रहना है, जागरूक रहना है, और हम हमारी बालिकाओं को जैसे डांस बार में भेज रहे हैं, कहीं कैफे में आप वो आराम से सहज जा सकती है, स्कूटी लेके कहीं भी जा सकती है। हम मानते हैं कि पढ़ी लिखी बालिका कहीं भी जाती है तो उसको नहीं रोकना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक जाने देना चाहिए। और ये योजनाबद्ध तरीके से बच्चियों को फंसाने के भिन्न भिन्न प्रकार के, मैंने जो जिक्र किया केंद्र है, इन केंद्रों के ऊपर उनको या तो जाने नहीं देना चाहिए, या फिर केंद्र कौन चला रहा है, जितने भी मुसलमान लड़के केंद्र चला रहे हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है लव जिहाद। ये हम देखते हैं कि जैसे कलर करने वाले, पीयूपी करने वाले, यहाँ का जो लोकल मजदूर वो मजदूरी लेता है उससे आधी मजदूरी में पौनी मजदूरी मजदूरी कर देंगे, लेकिन तब तक वो किसी डकैती या लव जिहाद की घटना में हम अखबार में पाएंगे कि वो यहाँ ऐसा करके पाए। लेकिन बाड़मेर में इस घटना से पहले ऐसा घटना कभी सुर्खियों में आई नहीं कि फला लड़के ने यहाँ काम करते हुए ऐसा कुछ कर दिया है? घटनाएं तो ऐसी छोटी मोटी और भी हुई है, लेकिन घटनाएं या तो हाईलाइट नहीं होती है, दब जाती है, या फिर हमारे हिंदू समाज में ऐसा रहता है सहज स्वभाव में कि हमारी इज्जत चली जाएगी, ज़्यादा हम इसको हाईलाइट नहीं करें, तो सामान्य सा मुकदमा दर्ज करते हैं। जब पुलिस कानून का हवाला देकर कि असहाय अपने को महसूस या प्रकट करती है तब वो चुपचाप घर बैठ जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सरहदी ज़िला जो अपना है बाड़मेर, ये बहुत बड़े अल्पसंख्यक वर्ग का यहाँ पर है, जनसंख्या है, क्या ऐसा आप जिस तरीके से बात करें इसमें ऐसा लगता है कि अब एक असुरक्षा का भाव जो है वो इस इलाके में, जो कभी पहले शायद दिखा नहीं, सुना नहीं? वर्तमान का जो पिछले 10 वर्षों का पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, उसी माहौल के क्रम में या सीमांत क्षेत्र में भी, चूँकि हमारा जो पिछड़ा वंचित वर्ग जिसको हम कहते हैं, जो गरीब है, आर्थिक रूप से इतने विपन्न है कि ये मुसलमान सारे जिनकी बहुत सारी या तो ज़मीन है या फिर बहुसंख्यक रूप से वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो मानसिक रूप से ऐसे छाए हुए हैं कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए या अपने किसी भी दर्द भरी इस प्रकार के दास्तान किसी को सुनाए ऐसा उनमें साहस नहीं है। उन्होंने शायद सहज स्वीकार कर लिया कि हमारी जीवन पद्धति ऐसे ही है, इसलिए वो किसी इस प्रकार की कोई याचना या पीड़ा की पुकार आगे तक ले नहीं जाते हैं, ऐसा ध्यान में आया कई बार। आगामी 7 तारीख को विरोध प्रदर्शित किया जाएगा, और एक बहुत बड़ा जो संदेह जो उत्पन्न हुआ है इनकी बातचीत से कि सरहदी इलाके में इस तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, और इसको लेकर एक बैठक बाड़मेर शहर के करीब 150 जो मौजी लोग हैं इनके द्वारा की गई, और इसके बाद ये निर्णय किया गया कि अब चेतना आवश्यक है, और चेतना किस चीज़ से है वो भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र में वो सारी गतिविधियाँ हो रही हैं जो पूरे देश में काफ़ी चर्चा का और चिंता का विषय बनी रही है। अब देखना यह है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या क्या होता है। क्या पहले भी इस विरोध प्रदर्शन के संबंध में कोई निर्णय हुए थे? 4 अप्रैल को ही इस प्रकार की आक्रोश रैली हमने तय की थी, लेकिन वो भारत बंद वाला जैसे विषय आया तो फिर उस रैली को हमने स्थगित कर दिया। फिर बाद में 10 अप्रैल को तय की, तो 10 अप्रैल वाला वो भी विषय ज़्यादा सुर्खियों में था, तो इसलिए हमने उसको स्थगित कर दिया। फिर बाद में ऐसा लगा कि ये तयशुदा कार्यक्रम था, ये इस प्रकार की आक्रोश रैली सर्व हिंदू समाज की करनी ही थी, यानी पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना, हिंदू समाज को जगाना, और जितने लव जिहादी, विधर्मी और राष्ट्रद्रोही है और इनको चेतावनी देना, इनको ऐसा कहना कि आप लोग सावधान रहें, हिंदू समाज एकजुट है, तो इस उद्देश्य को लेकर के निश्चित रूप से रैली करनी ही थी, बीच में इन कारणों से हमने स्थगित कर दी। अब 7 तारीख को बड़ी रैली करने वाले हैं। पूर्व नियोजित रैली थी लेकिन किन्हीं कारणों से उसे स्थगित करना पड़ा, और सीधे तौर पर पुलिस को भी चेतावनी यहां पर दी गई है कि पुलिस भी ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लें। फिलहाल 7 तारीख के विरोध रैली के बाद इस जो इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं, इनको लेकर क्या सरकार, प्रशासन और पुलिस तय करती है, यह अभी भविष्य के घर में है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।